हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल जाधव। आज के इस एपिसोड में हमारी पौरा देवी के लिए जर्नी कैसे रही थी इसके ऊपर आपको थोड़ा बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गए बीजापुर से सोलापुर के लिए, बाद में सोलापुर से हमें जाना पड़ा वासिम के लिए। दोस्तों फाइनली हम पौरा देवी के लिए जा रहे हैं और एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो है मेरा दिमाग पूरी तरह से घूम गया, सटक गया। जैसे मैं सोलापुर से यहाँ पर आ रहा था वासिम के लिए, तो वो जो बंदा है मुझे वासिम में तकरीबन 2:30 बजे छोड़ दिया उसने, तो मुझे वासिम में ही वेट करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा। और वेट करने के बाद सुबह मुझे 6 बजे वहाँ से 5:30 बजे शायद 5:30 बजे मुझे वासिम से यहाँ पर एक मंगरूर करके एक गांव आता है, मतलब तालुक है शायद ये, तो यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ से हमें पौरा देवी के लिए बस मिलेगी, तो अभी मंगरूर से हम पौरा देवी के लिए जा रहे हैं। तो फाइनली अच्छी बात यह है कि हम फाइनली जा रहे हैं। पौरागढ़ जाने के बाद हमें फ्रेश अप होना था, इसलिए वहां से हम सीधा गए भक्तिधाम के लिए। अगर आप नाइट जर्नी करके यहाँ पर पौरा देवी के लिए आते हो माता दुर्गा माँ और प्रभु सेवालाल महाराज के दर्शन के लिए, तो उसके लिए आपको उस तरफ पौरा देवी में है, जहाँ पर आप उतरते हो पौरा देवी में, वहाँ से आपको उस तरफ एक रोड मिल जाएगा जो कि दुर्गा माँ और प्रभु सेवालाल के मंदिर को सीधा वो रोड जाएगा। उससे भी पहले आपको एक काम करना ज़रूरी होता है, वो है रेडी होना आपके लिए, स्नान करना, और उसके बाद ही आप लोग दर्शन के लिए जा सकते हो। उस तरफ से आपको रेडी होने के लिए, यहाँ पर कोई बड़े होटल्स वगैरह नहीं हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक रोड जाता है उमरी के लिए, उस रोड को पकड़ के आपको आना होगा तकरीबन 1 किलोमीटर तक। वहाँ पे आपको जो है भक्तिधाम मिल जाएगा सेवालाल महाराज का, यहाँ पर आपको रहने के लिए व्यवस्था है। तकरीबन 1 किलोमीटर आने के बाद यही है वो भक्तिधाम, जहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें जो आपको रहने के लिए ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। जब आप यहाँ पर भक्तिधाम में आते हो तो यहाँ पर आपको फ्री में भी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे रहने के लिए, स्नान करने के लिए टॉयलेट्स और पीने के लिए पानी भी अवेलेबल है। वैसे यदि आप स्पेशल रूम चाहते हो आपके लिए तो आपको पे करने होंगे, और पर नाइट स्टे के लिए तकरीबन 200 रुपये पे करने होंगे, और भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और अभी फ़िलहाल भक्तिधाम में आपके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर टॉयलेट्स कैसे हैं, रूम्स कैसे हैं, बाथरूम्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे पुराने वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हम सीधा रेडी होके चले गए मंदिर के लिए और वहाँ पर सुभाष महाराज जी से कुछ सवाल भी किए। और दोस्तों ये है हमारे प्रभु सेवालाल महाराज का मंदिर पौरागढ़ में, आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में हमने एंटर किया था तो लोगों ने काफ़ी कुछ बताया इस मंदिर के बारे में। वैसे अभी मंदिर बनाया जा रहा है, बाहर बहुत बड़ा बनने वाला है, जगह भी ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, तब जाके काफ़ी कुछ अच्छा बनेगा यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए ये मंदिर है। सेवालाल महाराज के मंदिर को दिखाने के बाद आपको और एक चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी था और इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी था, और उसे हम कहते हैं नंगारा प्रोजेक्ट। बाद में हम चले गए नंगारा प्रोजेक्ट के लिए। जहाँ पर नंगारा प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पर जाने से पहले हम पौरागढ़ में रहने वाले लोगों से मिले। मेहनत ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम मेहनती होते हैं, जो कि ज़्यादातर फंक्शन वगैरह में इन ड्रेसेस को पहनते हैं और अपने कल्चर के बारे में दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है और ये हम लोगों को करना चाहिए।
और यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाने के लिए हम आप लोगों को लेकर जा रहे हैं और भी अंदर डीपली देखेंगे लोगों को। और यहाँ यहाँ की जो हमारी गौर माता है वो बिल्कुल से है कल्चर। अरे यार ये तो वैसे पौरा देवी है ना, यहाँ पर तो करना ही पड़ता है, यहाँ पर तो कल्चरल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते ही है लोग। और यहाँ जो नज़ारा है इसे देखकर बाकी के लोगों को सीखना चाहिए। वैसे अभी वहाँ के गौर लोगों से मिलने के बाद हम सीधे चले गए पौरागढ़ में जो नंगारा प्रोजेक्ट बन रहा है सेवालाल महाराज का। वहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर कोई नहीं थे। अभी यहाँ के जो सुपरवाइज़र है उनसे हम कुछ सवाल करेंगे इसके बारे में, इस भवन के बारे में, ये कब तक बन के तैयार होगा और कब तक पूरी तरह से बन जाएगा इसके बारे में कुछ सवाल करेंगे। तो आप वैसे कनेक्ट में रहना, ठीक है। म्यूजियम बिल्डिंग जो नंगारा जो है आगे बनेगा क्या इसका? नहीं, ये नंगारा है, अंदर से बिल्डिंग रहेगी, बाहर से इसका फैब्रिकेशन होके पूरा नंगारा टाइप बनेगा। ऐसा नंगारा टाइप रहता है ना, वो पूरा बनेगा बाहर से फैब्रिकेशन में। अच्छा, अंदर से बिल्डिंग रहेगी 110 फीट हाइट में रहेगा, 110 फीट हाइट रहेंगे, 30 मीटर। अच्छा, 30 मीटर में बोले तो 30 मीटर रहेगा। अच्छा, 110 फीट में हाइट रहेंगी इसकी पूरी। 10 मंजिला इमारत होगा, 10 मंजिला इमारत होगा, सही है। 6 मीटर पे एक स्लैब होगा इसका। अच्छा, ऐसे 5 स्लैब होंगे, बाकी 3-3 मीटर वाले जीने के पास स्लैब है, दो एक मेन जीना है, उसके बाद में एक और एक जीना है, उसके बाद में 4 लिफ्ट है इसमें, एक रैम है। अच्छा अच्छा, 4 लिफ्ट है, चार लिफ्ट है। हाँ सही बात है। एक मेन जीना है, वो दूसरा एक और एक जीना है, और यहाँ एक रैम बनने वाला है जो आदमी को मतलब जाने के लिए ऊपर, समझो। नंगारा जो है वो सबसे ऊपर बनने वाला है ना? नंगारा ऊपर बोले तो ये 10 मंजिल इमारत बनेगी पहले बनेगी। उसके बाद में बाहर से इसके फैब्रिकेशन बनेगा, वो नंगारा टाइप बनेगा। फैब्रिकेशन जो बनेगा वो नंगारा टाइप का बनेगा। अच्छा अच्छा, बनेगा पूरा। हाँ, ये नंगारे की बिल्डिंग है पूरी। ये है तुम्हारी एडमिनिस्ट्री बिल्डिंग, ये है गेस्ट रूम है। अच्छा, जितने भी गेस्ट आते हैं वहाँ पे। ये है एडमिन ब्लॉक पूरा। अभी काम शुरू है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब स्पीड भी हमने मस्त पकड़ी है अभी। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, पहले स्लैब में कुछ मटेरियल की दिक्कत रहती पहले स्लैब में। हाँ, तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन दूसरे स्लैब में वक्त नहीं लगता, पूरा सेट तैयार रहता है ना। हाँ, खोल के ठोकने का रहता है। हाँ, अभी जो है वो पूरा एक नया नया सेट बना बना के चालू है पूरा का। हाँ, सही बात है। इसलिए पहले स्लैब में थोड़ा वक्त लगता है, दूसरे स्लैब में वक्त नहीं लगता। जैसे देखो ना, नीचे के लेंटर लोगे तो ऊपर के लेंटर रेडी है, जब तक ये नीचे का स्लैब हो जाएगा तब तक ऊपर ठोकना चालू हो जाएगा, ऐसा है ना। आ जाओ इधर से, शेर वाल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम कुछ फोटेज निकाल के दिखाएंगे। वैसे उस तरफ जा रहे हैं फिलहाल के लिए, उस तरफ से अच्छे क्लिप्स भी मिलेंगे। लिफ्ट जो है इसमें ही बनेगा क्या? नहीं, लिफ्ट वो अंदर बनी हुई चुकी है ना। हाँ, 4 लिफ्ट अंदर ही ले, दो जॉइंट है, हाँ। ये शेर वाल जाएंगे इसके साथ में ऊपर। अच्छा, पूरी आरसीसी वाल है। हाँ, मतलब 10 मंजिला इमारत मतलब बहुत बड़ा बनेगा है भैया। 1 मंजिल में इतनी हाइट आ गई, तुम 10 मंजिल में कितनी हाइट जाएंगी? वही तो बता रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा हाइट जाएगी, बहुत ऊंचा होगा। और हम अभी बाहर आ चुके हैं और अंदर में हमने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करी, लेकिन दोस्तों अभी काम शुरू है। पूरी तरह से मुझे बिल्डिंग के अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर काम शुरू है, ऊपर से कुछ गिर जाता तो गिरने का मतलब संभावना ज़्यादा रहता है, तो इसलिए उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए पूरी तरह से। लेकिन बाहर से हमने कुछ क्लिप्स निकाली है, फ़ोटोज़ निकाले हैं। फ़ोटोज़ तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है यहाँ पर, 125 करोड़ का है तकरीबन, जो मैंने सुना था, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, माफ़ कर देना अगर गलत हूँ तो। लेकिन अच्छा लगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। सो अभी हम फ़िलहाल के लिए अभी जा रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि आप लोगों को जाते जाते कुछ दिखाए सेवालाल महाराज के नंगारा के बारे में अंतिम में, तो हमने दिखाया है। वैसे आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बता देना।
तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पुराने वाले एपिसोड्स देखने होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और जय सेवालाल।